दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने चना का दाल का पराठा बनाने चल रहे हैं, हमने फ्राई कर लिया था और क्या कहते हैं सब चीज़ मिला के भूज लिया था। अब इसको हम पीस रहे हैं सिल पे। सिल पे पीसने के बाद अब हम पराठा बनाने चल रहे हैं। हाँ, हम आटा पहले से लगा के रखे थे। थोड़ा सा आटा फूल जाए 10 मिनट तक, तब अच्छे से बनता है, फटता नहीं है। अब हम ऐसे करके इसको भर रहे हैं। खूब भर के अच्छे से बनाते हैं। इस तरीके से इसको हम आसानी से बेलेंगे। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से बेल लिए हैं। बेसन डाल दिए था वहाँ पे, बिल्कुल भी फटा नहीं है, खूब भर के बनाए हैं। रिफाइन लगा खम पर दिए, दूसरी तरफ लगा रहे हैं। अब दोनों तरफ हम सेकेंगे इसको। देखिए दोस्तों, हमारा पराठा सेक आ गया दोस्तों। इसको हम रख रहे हैं। ये हम और बना रहे हैं दोस्तों, तो इसी तरह हम पूरा बनाएंगे। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से बना है, एकदम फूल आया है और बिल्कुल भी फटा नहीं है। ये देखिए, हाँ दोस्तों, इस तरफ से दाल का पराठा आप ही बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा। और मेरा तरीका अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये बारिश में बहुत टेस्टी होता है, आप इसको बना के ज़रूर देखें, ट्राई करें। धन्यवाद दोस्तों।